आज हम बात करने जा रहे हैं नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी जो कि एक एग्ज़ाम लेके आ रहा है सीईटी सेंट कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो कि स्टार्ट होगा 2021 के मिड से। और ये आप सभी को पता ही होगा इसके बारे में कि लास्ट ईयर बजट पास हुआ था तो उसमें इसका ज़िक्र किया था और हमारे मिनिस्टर ने भी इसके बारे में कन्फर्मेशन दी है। तो मैं आपसे ये सब डिस्कस करूँगा और आपको बताऊँगा कि आने वाले टाइम में ये एग्ज़ाम कैसे इम्प्लीमेंट होगा और इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी होंगे, क्या क्या प्रोसीजर होगा, सब कुछ। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपसे कोई भी अपडेट और कोई भी कन्फ्यूज़न मिस ना हो सके। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि सीजीएल 2019 का जो मेंस है उसका टाइम क्या होगा, एक्सपेक्टेड टाइम कब तक हो सकता है, और इसमें जो तीन अटैम्प्ट के बारे में बताया कि बात करी गई है सीईटी की, उसमें ये रियल में है या फेक है या फिर एक मिथ है, इसमें मतलब कि प्रॉपर आपकी जो कन्फ्यूज़न है वो दूर करूँगा। और ये जो अभी पैंडमिक फैला हुआ है पूरे वर्ल्ड में और इंडिया में भी कोरोना का, उसके क्या क्या इफ़ेक्ट हो सकते हैं इस टेस्ट के ऊपर और इस प्रोसेस के ऊपर, और आपसे बताऊंगा कि इसकी प्रिपरेशन कैसी करनी है ताकि आपसे एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। ये देखिए बहुत ही अच्छी पहल है जो कि गवर्नमेंट ने किया है इस बार हमारे लिए, हम सब के लिए, जिससे आपको एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा और आप सारे एग्ज़ाम्स के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्रोसीजर क्या है। अभी आपको लग रहा है कि एक ही एग्ज़ाम देना पड़ेगा, बट आपको धीरे धीरे पता लगेगा कि इसका एक्चुअल में प्रोसीजर और प्रोसेस क्या है, कि आप इस एग्ज़ाम के थ्रू कैसे एक जॉब पा सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए ये एक नोटिस आया था, ऑफिशियल नोटिस बाय DOPT, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, जो कि इसकी मिनिस्ट्री है पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंस एंड पेंशन। तो देखिए ये 2 दिसंबर को आया था। तो इसमें एक प्रपोजल पास किया गया है कि एक CET टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप बी जो भी हमारी नॉन गजटेड पोस्ट हैं, और ग्रुप बी के जो गजटेड पोस्ट है जैसे कि आपकी AA, ठीक है, जो कि जिसका GP है 4800, ठीक है, इसमें ग्रुप ए सेंट्रल गजटेड पोस्ट को दूर रखा गया है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप बी की ही जॉब्स लगेंगी, ठीक है। तो देखते हैं कि इसके साइलेंट फीचर्स क्या क्या हैं अगले स्लाइड्स में। तो देखिए इसके फीचर्स ये हैं जो इस प्रपोजल को पेश किया गया था। इसमें बोला गया है कि वन लाइन पोर्टल होगा जिससे एक कॉमन रजिस्ट्रेशन होगा, ठीक है, और एक सेपरेट टेस्ट होगा जिसमें आपके 12th base, 10th base और जो भी आपका ग्रेजुएशन लेवल के एग्ज़ाम्स होते थे जो SSC और रेलवेज और IBPS लेती थी, ठीक है। तो इसका जो स्कोर होगा वो कैंडिडेट को बताया जाएगा, जो कि रिक्रूटमेंट एजेंसी है NRA, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी आने वाले टाइम में। और इसका जो स्कोर होगा, ये देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है ये, इसका जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा, ठीक है। जो मैं बात कर रहा था 3 अटैम्प्ट्स की, वो यही है, इसका जो स्कोर होगा वो 3 साल के लिए वैलिड होगा। सपोज़ आपने कोई एग्ज़ाम दिया तो आपके पास 2 एडिशनल चांसेस होंगे आप अपना स्कोर इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 100 नंबर का पेपर है और आपने उसमें से 65 स्कोर किया और आपको लग रहा है कि आप और बेहतर कर सकते हैं तो आप फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आपको 2 चांस मिलेंगे और दोबारा से अपीयर होने के इस एग्ज़ाम में, और आपका जो टॉप का स्कोर होगा, जो आपका बेस्ट स्कोर होगा, वो आपका डिसाइड करेगा कि आपकी जॉब लगेगी या नहीं अकॉर्डिंग टू कट ऑफ लिस्ट, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि द फाइनल सिलेक्शन ऑफ रिक्रूटमेंट शैल मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड एग्जामिनेशन टू बी कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव एजेंसी। देखिए ये इस पॉइंट में एक बहुत बड़ा मीनिंग छुपा हुआ है, तो मैं आपसे डिस्कस करूँगा इसके बारे में। तो देखिए एक आर्टिकल है द हिंदू का, इसमें इन्होंने बोला था कि इसमें इन्होंने बताया है कि एक कॉमन टेस्ट होगा रेलवेज, बैंक और सारे सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो कि ग्रुप बी और ग्रुप सी की होंगी।
इसका जो हायरिंग प्रोसीजर होगा उसके लिए एक NRA एजेंसी, जैसे आपको पता है कि NTA एक एजेंसी है जो कि 12th लेवल पे हमारे नीट और IIT JEE के एग्ज़ाम्स लेती है, तो वैसी एक NRA ऑटोनोमस बॉडी सेटअप की जाएगी, ठीक है। और ये देखिए, ये जितेंद्र सिंह ने एक जर्नलिस्ट से बताया था कि जो कि मिनिस्टर है हमारे पर्सनल पब्लिक एंड ग्रीवेंसेस के, तो इन्होंने बताया कि एप्लीकेंट्स फॉर दिस जॉब इन रेलवे बैंक एंड लोअर लेवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट विल नाउ राइट अ CET फ्रॉम 2021, जो कि हमारे देश की ब्यूरोक्रेसी की बैकबोन होती है, वो सारे ग्रुप बी और ग्रुप सी की जॉब से ही आती हैं। तो ये स्टार्ट होगा 2021 के मिड से और लाइकली 2021 से स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए, ये जो अभी न्यूज़ है ये कोरोना से थोड़े से दिन पहले की है, क्योंकि कोरोना ने एक तरह से देश में सिचुएशन को पूरी तरह बदल दिया है, वो मैं आपसे डिस्कस करूँगा। पहले देख लेते हैं कि इन्होंने क्या क्या बोला है। इन अ बिड टू स्ट्रीमलाइन द हायरिंग प्रोसेस फॉर गवर्नमेंट एजेंसी एज वेल एज 2.5 करोड़ कैंडिडेट्स हु अप्लाई ईच ईयर, द सेंट्रल विल सेटअप ऑटोनोमस NRA टू कंडक्ट द ऑनलाइन टेस्ट। देखिए, इन्होंने काफ़ी बड़ा चढ़ाकर बोला है कि 2.5 करोड़ बच्चे एग्ज़ाम्स में हर साल बैठते हैं, तो उसके लिए एक NRA एजेंसी सेटअप की जाएगी, जो कि ये पूरा सत्य भी है कि काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स का एस्पिरेशन है जॉब लेना। तो इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और जॉब्स बहुत कम हैं, ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं, बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये अभी 2020 में एग्ज़ाम होंगे वो तो अपने मुताबिक होंगे, जो कैलेंडर जिस तरह नोटिफिकेशन आ चुका है, बट 2021 से एक नया प्रोसीजर स्टार्ट हो जाएगा जो कि NRA कंडक्ट कराएगी CET का, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट का पैसा ही बचेगा और कैंडिडेट का पैसा ही बचेगा, उसको बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा जैसे अभी होता था कि किसी एग्ज़ाम्स की फ़ीस होती है 500, किसी की 600, किसी की 100,000, ऐसे होता रहता है। तो एक सिंगल स्क्रीनिंग टेस्ट होगा और एक सिंगल CET होगा, जिससे आपको एक बार ही फ़ीस भरनी पड़ेगी और आपको ज़्यादा घूमना भी नहीं पड़ेगा, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, तो आपका काफ़ी पैसा बचेगा। सो देर आर 3 एजेंसी लोन विच आर इफेक्टिवली कंडक्टिंग द एग्ज़ाम्स फॉर 7.5 करोड़ कैंडिडेट्स ईच ईयर। देखिए, जो 3 एजेंसी है हमारी बड़ी बड़ी, जो कि SSC, रेलवे और IBPS, इन्होंने बोला है कि 7.5 करोड़ कैंडिडेट इसमें अपीयर होते हैं। और देखिए, यहाँ पे एक नई इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है जो कि है पुलिस एंड पैरामिलिट्री रिक्रूटमेंट। तो इसके लिए जो GD कांस्टेबल, जो हमारे CPO, सब इंस्पेक्टर्स की जो रिक्रूटमेंट होती है, उसके लिए ये CET एप्लीकेबल होगा। इसके बाद आपको सीधा अपना फिज़िकल टेस्ट देना है और आप जॉब के लिए शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो विच कैन बी फॉलोड बाय फर्दर टेस्टिंग बाय सेपरेट एजेंसीज। देखिए, एक आपका टेस्ट होगा, उसके बाद एजेंसी आपकी बढ़ जाएगी, तो मैं आपको बताऊंगा वो अगले स्लाइड में। वेयर CET स्कोर विल अप्लाई। देखिए, ये आपको जो CET स्कोर है, ये एक तरह का आपका रिफ्लेक्शन होगा, आपकी इमेज होगी कि आपका स्कोर कितना है। तो ये जो स्कोर है, ये स्टेट गवर्नमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर्स की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, वो आपको शॉर्टलिस्ट करने के लिए आपका ये स्कोर मांग सकती है हमारे गवर्नमेंट की एजेंसी से। तो उनको एक MOU साइन करना होगा इसके बारे में और उनको ये स्कोर अवेलेबल हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि एक बच्चा एक ही बार मेहनत करेगा और वो अपने स्कोर को अच्छा बना के, मजबूत बना के आगे बढ़ेगा, तो उसको टेंशन नहीं होगी कि उसका स्कोर ख़राब है या बेकार है, उसको इम्प्रूवमेंट का भी चांस मिलेगा, ठीक है। चलिए, और देखिए CET एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो क्या होगा। देखिए, इम्पोर्टेंट बात, देखिए CET एग्ज़ाम जो है अभी तो टेंटेटिव है, अभी इसका कोई फिक्स नोटिफिकेशन नहीं आया। तो आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द CET एग्ज़ाम, द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट द पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट एग्ज़ाम रिक्रूटमेंट विल चेंज। देखिए, ये एक तरह से पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। इट्स अ काइंड ऑफ सेकेंड वेव और मॉडर्न वेव इन द हिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस, ठीक है।
जो कि बहुत ही अच्छी न्यूज़ है सारे एस्पिरेंट्स के लिए। तो देखिए इट्स अ काइंड ऑफ टीयर वन विच इज़ अ CET, आप इसको इजीली बोल सकते हैं अपनी भाषा में टीयर वन, जैसे SSC में होता है ना टीयर वन, वैसे ही एक CET होगा जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट होगा जिसमें से बच्चों को छाट लिया जाएगा कि क्रीमी क्रीमी बच्चे कौन से हैं जो आने वाले नेक्स्ट स्टेज के लिए अवेलेबल हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट हैं, तो एक स्पेसिफिक कट ऑफ के अकॉर्डिंग उनको छाट लिया जाएगा, उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद जब आपका CET हो जाएगा तो फिर टीयर टू जो होगा, आप इसको अपनी भाषा में टीयर टू बोल सकते हैं, तो ये होगा SSC बैंक और रेलवे और जो भी अदर एजेंसीज हैं, जो भी जिसकी स्पेशलाइज क्राइटेरिया है वो अपना एग्ज़ाम जो है वो सेपरेटली लेगी। जैसे आपने स्क्रीन टेस्ट दे लिया CET का, उसके बाद आपको टीयर टू देना है तो SSC कनेक्ट कराएगी उसका अलग तरीके से, बैंक को अगर अपना IBPS, PO, मेंस, क्लर्क जो भी है उसका अपना मेंस लेना है तो अलग से लेगी, रेलवे अपना मेंस अलग से लेगी। तो CET जस्ट अ स्क्रीनिंग टेस्ट विच इज़ रिफ्लेक्ट द पर्सनैलिटी और यू कैन से द पर्सनैलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ अ एस्पिरेंट। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं कि करंट फ्यूचर एंड फ्यूचर एजम्पशंस ड्यू टू COVID-19 विच इज़ अ कोरोना वायरस। तो देखिए अभी जो सिचुएशन है बहुत ही ज़्यादा सीरियस है, हालांकि हमारी जो कंट्री है वो अभी स्टेज 3 में नहीं गया एज ऑफ नाउ, बट वो कहीं ना कहीं स्टेज 2 और स्टेज 3 के बीच में अभी भी लाई करता है। तो आपको क्या करना है, आपको बस पढ़ाई करनी है, अपनी पढ़ाई करिए और अपनी तैयारी को अपडेट रखिए, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होगा, JEE का एग्ज़ाम होगा, आपका रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स होंगे, अभी मेन जिस पे बच्चों की फोकस है, जो काफ़ी एस्पिरेंट्स जिनका ड्रीम है SSC के थ्रू जॉब लेना, वो अभी SSC मेंस की तैयारी में लगे होंगे, जिसका शेड्यूल डेट था जो वो है जून का महीना और आखिरी आई थिंक 24-25 तारीख है। तो अब ये 90% तो श्योर है कि एग्ज़ाम पक्का पोस्टपोन होंगे, बट ये कब जाके पोस्टपोन होंगे और ये कब होंगे ये किसी को भी नहीं पता, इवन SSC को भी नहीं पता कि सिचुएशन कैसी रहेगी और आने वाले टाइम में क्या होगा। तो उन्होंने हमारे जो मिनिस्टर हैं इन्होंने एक ट्वीट किया था कि अभी लॉकडाउन ख़त्म होगा, 2.0 लॉकडाउन जो आई थिंक ये मई में ख़त्म होने वाला है, मई के स्टार्टिंग में, जो कि 20 दिन का लॉकडाउन है अप्रॉक्सीमेटली, तो 19-20 दिन का लॉकडाउन है, तो ये जब ख़त्म होगा तो एक वो मीटिंग करेंगे अपने मेम्बर्स के साथ और ये डिसाइड करेंगे कि आने वाला कैलेंडर क्या होगा। तो जो नया टेंटेटिव कैलेंडर आएगा उससे काफ़ी सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि एग्ज़ाम्स कब होंगे और उनका भी एक एग्जम्पशंस होगा, जो उनके जो मैथमेटिकल डेरिवेटिव्स उनके जो भी हैं वो अपना लगाएंगे और उससे एक कैलेंडर बनाएंगे जिससे आपको पता लगेगा कि हमारे एग्ज़ाम्स जिसका हम वेट कर रहे हैं वो कब होंगे। तो मोस्ट लाइकली जो CGL है वो आपका पुश हो सकता है सेप्टेम्बर से अक्टूबर, ठीक है, जब तक हमारे देश में कोरोना के केसेस कम नहीं हो जाते, लाइक 2000 से बिलो नहीं हो जाते और 1000 तक नहीं होते, तब तक हमारे देश में ये एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं होंगे, ये एग्ज़ाम्स का कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वायरस एक जीवन और मृत्यु का डिसाइड करने वाला एक फैक्टर है, क्योंकि एग्ज़ाम्स से बढ़कर है हमारा जीना और मरना। तो पहले जीवन ज़रूरी है, उसके बाद जॉब ज़रूरी है। तो और रही बात इस CET की, तो CET भी अगर हमारा सब कुछ प्रोसेस आगे जाके पुश होता है तो CET भी आगे फर्दर डिले होगा। तो अगर ये हमारे जो मिनिस्टर जी हैं इन्होंने बोला है कि 2021 में वो CET कराएंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 2021 के एंड तक आ जाएगा या 2022 तक स्टार्ट होगा, क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें गवर्नमेंट ने अनाउंस नहीं करी, 2018 का भी रिज़ल्ट शायद से पोस्टपोन हो सकता है, काफ़ी सारे नोटिफिकेशन नहीं आए हैं। तो आपको घबराना नहीं है, ये बस एक टेम्परेरी इशू है जो कि हमारे
प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने सही टाइम पे लॉकडाउन कर लिया और सिचुएशन को कंट्रोल में ले आए, जिससे हमारे देश में अमेरिका और स्पेन जैसे केसेस इतने रैपिडली नहीं बढ़े। तो आप आशा करता हूँ कि घर बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे, और आप बस आप पढ़ाई करिए, मॉक टेस्ट दीजिए। आप CGL 2019 के एस्पिरेंट हैं, आपका स्कोर अच्छा आ रहा है, आपके अगर हार्ड शिफ्ट में नंबर कम हैं तो ऑब्वियसली बात है आपका स्कोर बढ़ेगा। और आप आपको एक बात बता दूं कि CGL 2019 का रिज़ल्ट अनाउंस होने वाला है या फिर हो सकता है आने वाले एक आध महीने के अंदर। तो आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है, आपका रिज़ल्ट आपको पक्का मोटिवेट कर देगा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करने के लिए। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। तो अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अपने परिवार का ध्यान रखिए। थैंक यू।